गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी में। आपने ये देखा होगा कि बहुत लेडीज ऐसी होती हैं जो अपनी गर्भावस्था के टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है उनके चेहरे पर। और बहुत ज़्यादा आपने ऐसी भी महिला को देखा होगा कि जैसे ही उनका प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है तो उनका धीरे धीरे चेहरा का ग्लो जाने लगता है, खास करके जैसे जैसे उनका ट्राइमेस्टर आगे बढ़ते जाता है, जितने उनके बॉडी में प्रॉब्लम्स आते जाते हैं, जितने गर्भवती के बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने अंगों में दर्द होना स्टार्ट होते हैं, वैसे वैसे ही आपके उनके चेहरे का कलर या फिर आंखें हो या फिर चेहरे का कलर हो बहुत ज़्यादा डाउन होते जाता है, गाल अंदर जाने लगती है। तो क्या कारण होता है इनके पीछे का कि उनके चेहरे पर पिम्पल्स निकल आते हैं, गर्भवती की आँखें अंदर चली जाती है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पैरों और हाथों में बहुत ज़्यादा रूखापन आ जाता है, तो क्या कारण होता है इन सब के पीछे। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है, किन कारणों से आपके शरीर के अंग काले पड़ जाते हैं, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दें उन लेडीज के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसा हुआ था, जरूरी नहीं होता है कि अगर आप बेबी गर्ल को कंसीव किए हैं तभी आपके चेहरे पर दूसरी तिमाही में ग्लो आएगा, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो आपको ज़रूरत होती है उस टाइम पे। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगते हैं, आप विटामिन्स वाली चीज़ें, आप खाना बहुत अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, आप ड्राई फ्रूट खाने लगते हैं, आप फ्रूट खाने लगते हैं जो आम दिनों में हम नहीं खाते, अपने आप को पूरा इग्नोर करते हैं। उस टाइम पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है, हमारा खाने का मन करने लगता है, क्योंकि हमारे अंदर बच्चा होता है तो उसको चाहिए होता है, उसके शरीर में कमी होता है, वो चीज़ हमसे मांग रहा होता है, तो हमको वो खाना होता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम हेल्दी चीज़ें अपने अंदर डालते हैं वैसे वैसे हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। एक ये भी कारण है ग्लो आने, हमारे बूढ़े बुजुर्ग, हमारे पुराने जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अगर आप लड़की कंसीव करते हैं तो आपका चेहरा बहुत गोलू मोलू हो जाएगा, आपका बॉडी बहुत गोलू मोलू हो जाएगा, आप बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। तो अगर आप लड़की कंसीव कर रहे हैं तो आप 1 से लेकर 9 मंथ तक आप गोलू मोलू ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट लगेंगे। और मेरी भी एक फ्रेंड और प्रेग्नेंट थी, जान पहचान में बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उसने भी जब लड़की को कंसीव किया था तो वो बहुत अलग से गोलू मोलू, ऐसे वो सुंदर है, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी कंसीव की थी तो उसकी लड़की हुई थी उस टाइम पे वो 1 से लेकर 9 मंथ तक बहुत गोलू मोलू, बहुत मोटू शोटू हो गई थी, बहुत प्यारी लगती थी। प्रेग्नेंट थी तो मैं भी, जो फर्स्ट बार मैं प्रेग्नेंट थी तो 1 से लेकर 9 मंथ तक मैं बहुत ज़्यादा गोलू मोलू, बहुत ज़्यादा चबी चबी टाइप की हो गई थी। तो हाँ, मेरे साथ भी ये सिम्टम बहुत हद तक मैच किया था, मुझे भी मॉर्निंग सिकनेस था, मुझे भी मुझे खाने को तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी मीठा खाने को मन करता था, मुझे कभी खट्टा खाने को मन करता था, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मेरे में डिफरेंट हो गई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे मुझे बेबी गर्ल वाली नज़र आती थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपको बेबी गर्ल वाले सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी। और रही बात ग्लो आने की सेकंड ट्राइमेस्टर में, मुझे बेबी बॉय के टाइम भी मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उतना ग्लो नहीं था, थोड़ा बहुत जैसी थी वैसे थी, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में मुझे मेरी फ्रेंड और मेरे रिलेटिव सब नोटिस करने लगे थे कि तुम्हारे चेहरे पर ग्लो आ गया है, कुछ गुड न्यूज़ है तो बताओ। मतलब किसी को उस टाइम पर पता नहीं था, लेकिन फिर भी लोग अपना अनुमान लगाने लगे थे, मुझे मैसेजेस आने लगे थे व्हाट्सएप पर कि क्या बात है, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो, क्या है, कोई गुड न्यूज़ है तो बताओ। तो मुझे बॉय के टाइम सेकेंड ट्राइमेस्टर तो ग्लो था,
और गल के टाइम पे मेरा गाल बहुत चबी चबी मोलू मोलू हो गया था। तो ये दोनों अंतर होता है बॉय और गर्ल में। और जैसे ही आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाते हैं, तीसरी तिमाही में जाने के बाद जगते हैं, तो एक नई प्रॉब्लम के साथ जगते हैं। तो ऐसे ही आपका दिमाग में बहुत सारे परेशानी चलते रहती है, आपकी डिलीवरी की परेशानी, आपके शरीर के अंगों में दर्द की परेशानी, बहुत सारी परेशानी चल रही होती है। साथ ही साथ वो चेहरे पर भी दिखने लगती है आपके, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अंदर जाने लगती है, आपका चेहरा सूखने लगता है, क्योंकि जितनी भूख आपको लगनी होती है वो दूसरी तिमाही तक ही लगती है। जैसे ही आप आठवां महीने में पहुँचते हैं, नौवां महीने में पहुँचते हैं, धीरे धीरे आपकी भूख कम होती जाती है और लास्ट में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बॉडी पार्ट्स में इतने पेन रहते हैं। साथ ही साथ आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसे ही लगता है कि पेट भरा हुआ है, लेकिन उस टाइम पे आपको पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है, 8 से 10 ग्लास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका नॉर्मल डिलीवरी कराने में। आपका कलर चला गया है, आपको भूख नहीं लग रहा है, आपके चेहरे पर पिंपल्स हो गए हैं, आपके डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए हैं, आपका चेहरा काला काला दिखने लगा है, गर्दन काली दिखने लगी है, एल्बोज बहुत ज़्यादा काला हो गया है, आपकी राइट स्तन का निप्पल बहुत ज़्यादा काला हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बॉय होने वाला है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोज़ और लाइफ अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपका कुछ क्वेरीज होगा तो ज़रूर लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।